सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ दानी की कॉस्टिंग दिस टॉपिक एग्जैक्टली जो मैं अमित साहब से बात करता हूँ कि आफ्टर 5 ईयर्स व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ कॉस्टिंग. प्लीज पे अटेंशन प्लीज. टुडे यू कीप साइलेंट प्लीज एंड डिस्कस द लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज नोबडी कैन एक्सप्लेन यू. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो आपको खुद को ही सोचना पड़ेगा, दूसरा इसमें कोई हेल्प करेगा नहीं. इट्स सो कंफ्यूजिंग टॉपिक राइट. मैंने आपको स्टार्टिंग से लिखाया तो एक बार वापस से रिवाइज करता हूं. तो आप जरा लिखिए मीनिंग ऑफ रिलेवेंट कॉस्टिंग. एक बार पूरा 5 मिनट में रिवाइज करा देता हूं राइट. मीनिंग ऑफ रिलेवेंट कॉस्टिंग. एनी एक्सपेंस any expense which is fluctuating according to decision, any expense which is fluctuating according to decision is known as is known as relevant cost. Any expense which is fluctuating according to decision is known as relevant cost. Okay, आपको क्या judgment लेना है? How we can verify whether the particular expense is relevant or not? You just touch your pocket and see कि because of this particular decision, my expense is increasing or decreasing or not. If it is increasing or decreasing, yes, this is relevant and you take in cost sheet. Otherwise, you forget it. Okay, second, for example, just write, for example, fixed cost is not relevant, fixed cost is not relevant for the decision if it is constant. Fixed cost is not relevant for the decision if it is constant. दूसरा मैंने आपको बताया था कि this is applicable only for the existing person and not for the new businessman. All right? This is suppose again I'll revise. I'm an existing manufacturer of this pen. Right? This pen is also required this refill. That refill ka price is variable cost is suppose 1 rupees. My fixed cost is 1 rupee. This is what my manufacturing cost. If I purchase in the market, I have to pay. This is my purchase cost and my purchase cost is 1.5. What should I do? Should I purchase or should I manufacture? Manufacture. Why? Because my fixed cost is totally irrelevant. Aap touch karke dekhi, right? Whether I purchase, still I have to pay 1 rupee. I don't purchase, I have to pay 1 rupee. I manufacture, I have to pay 1 rupee. I don't manufacture, I have to pay 1 rupee. It means this amount is not फ्लक्चुएटिंग. इसके लिए डिसीजन में ही आएगा नहीं. फ्रेंड्स थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाइए इसमें राइट. एंड जब ये एग्जाम में आता तो 12 टू 15 मार्क्स का है एंड ओनली 4-5 पॉइंट्स आर देयर. विद इन 5-7 मिनट्स में यू कैन स्कोर योर 12 टू 15 मार्क्स. बट प्योर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड. इज जस्ट लाइक ए मेस. राइट रहेगा या फिर रॉन्ग रहेगा, दैट्स इट. बीच का कोई रास्ता नहीं है इसमें. अगर अपन ऐसे क्लाइंट को समझाएंगे तो क्लाइंट को क्या बोलेंगे, 150 है आपका, 1 रुपीज आपका फिक्स कॉस्ट है, टोटल आपको क्या हो जाएगा, 2 रुपीज 50 पैसे. ऐसे आपको कॉस्ट क्या आ रहा है, ओनली 2 रुपीज. एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग क्या डिसीजन लेंगे, फिक्स कॉस्ट इज टोटली द रिलेवेंट इज व्हाट ओनली द वेरिएबल. मैंने आपको बताया था ये त्याल सर का क्लासरूम है. क्लासरूम रेंट ऑफ द क्लासरूम इज सपोज से 6 लाख रुपीज पर एनम. इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 100 रुपीज पर आवर. यूज है सुबह 7 से लेके रात को 9 तक, 9 PM टू 7 AM द रूम इज टोटली आइडल. एग्जिस्टिंग हो गया पर्सन, कैपेसिटी आइडल है. अब कोई इनको बोलता है कि आप मेरे को दे दो, आई पे यू 120 रुपीज पर आवर. यार सर को क्या करना चाहिए, देने से क्या होगा, ओनली ये खाली कॉस्ट फ्लक्चुएट होगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट. सही है सुनो, फिक्स कॉस्ट पर कोई फर्क पड़ेगा, आंसर इज नो. फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटली. सही है सुनो फ्रेंड्स,
समझ में आ रहा है। हाँ, अभी ये बोलते हैं 120 रात के लिए क्या रखना पड़ेगा, वॉचमैन। रात को कौन चलाएगा क्लास, उसके लिए एक वॉचमैन रखना पड़ेगा। वॉचमैन का सैलरी इज फिक्स्ड बट फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। आप ऐसा नहीं है कि फिक्स कॉस्ट हमेशा रिलेवेंट होगा। आपको सिर्फ मैंने इसके लिए सिंप्लीफाई किया है। लास्ट 15 ईयर्स में ये वर्ड पे मैं पहुंचा हूं कि भी कोई भी चीज का जजमेंट कैसे होगा। चलो अपन तो सीए फाइनल स्टूडेंट है, क्लाइंट कैसे समझेगा लू कि नहीं लू। अभी अपन को ही देखना कितना कंफ्यूजन होगा हर सेंटेंस में। बट अगर जिसको कॉन्सेप्ट समझता है ही कैन डू द बेस्ट बिजनेस। अगर ये बिजनेसमैन है और ये रात को देते हैं तो इनका कॉस्ट कम डाउन होगा ना, कॉमर्शियल बिल्डिंग है ना, यूजिंग ओनली रिसोर्स फॉर 12 आवर्स, पेइंग फॉर 24 आवर्स। ये बिजनेस करने बैठे इनको सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए। आर यू फॉलोइंग माई पॉइंट? ऑल आपको ये सारी टेक्निक समझने की जरूरत है कि कहां पे क्या रिलेवेंट है कहां पे क्या इरेलीवेंट। कहीं कहीं आपने देखा होगा जो लोग यू नो कभी कभी होटल्स में जाते हैं रात को 12 बजे के बाद आप जाओगे तो दारू के ऊपर क्या रहता है, हैप्पी आवर्स मींस डिस्काउंट। एक बेकरी है माहिम में, उसका ऐसा प्रोडक्ट रहता है कि यू कांट यूज इन सेकेंड डे। वो अपन सिमुलेशन में सीखेंगे वार में। तो वो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है रात को 12 बजे के बाद परचेस करेगा तो 50% डिस्काउंट, क्योंकि वो सेकेंड डे प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। तो ये आपको टेक्निक आना चाहिए। आप बिजनेस करने बैठे हो कोई दूसरा नहीं सोचेगा। अगर आप कुछ सी कॉस्टिंग में आपके फाइनेंशियल सर्विस की तरह नहीं है कि उसका अगर ऑडिट हो गया लाइक टर्नओवर हुआ तो आपको ऑडिट रिपोर्ट देना ही है, ऐसा नहीं है हमारे। तो अगर हम उसको फायदा कराएंगे तो हमको रखेगा, फायदा नहीं कराएंगे तो बोलेगा चलो भाई आपकी जरूरत नहीं है। आपको सोचना है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स किया है और जस्ट आप जॉब करते हैं ये करते हैं तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल आप लोगों को बहुत लोअर है। सब लोग क्या करते हैं, मेरे को एक भी जन ऐसा नहीं मिलता, नहीं सर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं मैंने कुछ क्रिएटिव किया। हजारों स्टूडेंट हम लोगों ने लास्ट 15 ईयर्स में पढ़ा है, सर आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम इन ICICI बैंक, आई एम वेरी गुड सर, आई एम ए पार्टनर ऑफ दिस फर्म। कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कुछ एकदम अजूबा करके, नहीं यार उसको देख के लगाओ कि नहीं यार ही इज डूइंग वेरी वेल। तो योर सेटिस्फेक्शन लेवल इज वेरी लेस। आप कहा अरे लाख रुपए महीने मिल रहे सर आई एम तो वेरी हैप्पी, अरे वॉट वेरी हैप्पी, फिर ये कोर्स क्यों किया? ये कोर्स आपको ट्रिमेंडस लेवल तक लेके जाने की कैपेबिलिटी रखता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स मीन्स व्हाट? दैट कोर्स इज हैविंग कि आप लोगों को हजारों लोगों को करो। देखो मैंने आपको बताया सीडी का कॉन्सेप्ट में लेके आया राइट, आज उसके बाद इमीडिएटली कॉपरगेट के साथ मेरा हुआ एग्रीमेंट, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उन्होंने बोला इतना हम आपको पे कर देंगे टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री सीडी। मैंने उनको बताया भी था कॉपरगेट करके एक बहुत बड़ा ग्रुप आया है मेरे साथ। तो आप सोचोगे नहीं, आप बोलोगे ऐसा हो जाएगा, अब रिस्क मेरा है मेरे को देखना है। कोई भी डिसीजन है वो आप लीजिए और उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी आप बियर करें। 10 लोगों से पूछोगे ये करूं मम्मी ये करूं पापा ये करूं भाई ये करूं तो आपका डिसीजन बेकार जाने वाला है। आपको लेना है और प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको झेलना है उसका, रोने का नहीं। जरा सी खुशी मिली तो एकदम खुश हो गए, जरा सा गम मिला तो एकदम डाउन हो गए, कुछ नहीं। मैंने पढ़ाई की, मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया तो ठीक, नहीं आया तो दोबारा एग्जाम खत्म। अपने स्टेशन पर जाएंगे एक ट्रेन छूट गई तो क्या करेंगे, घर आ जाएंगे क्या वापस, दूसरी ट्रेन में बैठेंगे। इज अ प्रोफेशनल एग्जाम 100%। आप मुझे बताओ सीए फाइनल का एग्जाम लिखने के लिए कोई ऐसा थोड़ी जाएगा चल टाइम पास करके आता हूं हो गया तो हो गया, सब लोग मेहनत करके जाने वाले हाँ। कोई ऐसा ट्राई करेगा चल देखते हैं इस बार हाँ शायद निकल जाए हाँ कुछ कंप्यूटर में हो जाए मिस्टेक रीमा की जगह सीमा का नंबर आ जाए, ऐसा होगा नहीं। यू अंडरस्टैंड? तो छोटी छोटी चीजों को इसके लिए मैं बोल रहा हूं, मेरा कहने का आपको यही तात्पर्य था। आप अपने लास्ट लेक्चर चल रहे कि आप कुछ हटके सोचिए, डोंट थिंक एज ए नॉर्मल पर्सन, यू आर वेरी यंग। आप कुछ ऐसे डिसीजन लीजिए, इन चीजों में मत फंसिए। लोग जनरली क्या करते हैं, मैं 5 मिनट आपका लूंगा चाहे आपको बोर हो, लेकिन मैं देखता हूं आप क्या करेंगे। जैसे ही आपका जॉब लगेगा वो बैंक वालों का आपको फोन आएगा, हम आपको 1 करोड़ का लोन दे सकते विदाउट एनी सिक्योरिटी। तेरे को मालूम नहीं, तेरे बाप को मालूम है सीए का डिग्री क्या होता है, नॉर्मल पर्सन को नहीं दे रहा है। यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके लिए वो दे रहा है। फिर अपन क्या 1 करोड़ का लोन ले लिया, अननेसेसरी 1 BHK में काम चल सकता था, हम लोगों ने क्या किया 2 BHK ले लिया और उसमें फंस गए। एक बार आपके ऊपर फिक्स कमिटमेंट आ गए, आई वॉन्टेड टू लिंक दिस विद रिलेवेंट कॉस्टिंग ओनली, एक बार आपके ऊपर फिक्स कमिटमेंट आ गए आप फंस गए। आपका एम्प्लॉयर पहले आपसे पूछता है हैव यू टेकन एनी लोन, आप उसको पूछोगे व्हाट इज योर मतलब राइट, व्हाट डू यू वांट,
बोले नहीं नहीं हमको टीडीएस काटना है, उसके लिए वी वॉन्टेड टू नो। इसका मतलब अगर उसको मालूम चल गया इसके ऊपर 2 करोड़ का लोन है तो आपका कौन चूसेगा फिर? इसको मालूम छोड़ के नहीं जा सकता, हर महीने एक इंस्टॉलमेंट कहां से भरेगा? भरेगा कहां से? और अगर आपने 1 BHK में नहीं, ये फैक्ट मैं आपको बोल रहा हूं, जो जो चीजें परेशान करती हैं लाइफ में वो मैं आपको बोल रहा हूं। आपको आपको ऐसा लगता होगा सर आके हमेशा रोज वही चीजें बात करते हैं, वही चीजें रिपीट करते हैं, लेकिन मैं उसका आपको रिजल्ट बता रहा हूं। आप मुझे बताइए अगर मैं ये क्लासरूम में पढ़ा रहा होता तो क्या कोई कंपनी मुझे अप्रोच करती? उसको कैसे बाटली में उतारने का वो तो अपने को आता है ना, सामने वाले को। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमसे ज्यादा थोड़ी जानता है कोई। हम अपने प्रेजेंट और हम रियलिस्टिक बात करते, हम कोई MBA उनकी तरह हवे में बात नहीं करते, हम लोग रियलिस्टिक है। ऐसा कर देख तेरे को ये प्रॉफिट होगा, हम किसी को बेवकूफ नहीं बनाते, हम लोग कॉस्ट कंसल्टेंट है। तो आपको क्या देखना है कि फिक्स कॉस्ट को यू जितना हो सके उतना फिक्स कॉस्ट को सेव करके चलने का। मैंने आपको आपको वापस से लिंक करता हूं, मेरी सारी क्लासेज है, कहीं पे भी एक पैसे का फिक्स कॉस्ट नहीं है। मेरे सारे ऑनर ये चाहते हैं कि दानी सर के ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो, क्योंकि वी आर ऑन वेरिएबल मॉडल, आपको इतना कलेक्शन होगा, मेरा इतना, आपका इतना खत्म। तो ऑनर क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। अगर मैं फिक्स मॉडल में रहूंगा तो मुझे रात को नींद भी नहीं आएगी, अरे बच्चे नहीं आए तो बच्चे। मैं कभी आपको बोला क्या किसी बच्चे को बोलना आप ट्यूशन ले ले मेरा, या हमारे बैच के बारे में बोलना, या मेरा मैसेज फॉरवर्ड करना? कहीं आपने देखा मेरा हेड? क्योंकि मेरे को फिक्स एक्सपेंस करना। अगर आपका फिक्स एक्सपेंस नहीं है आप ऑनर के साथ कर सकते हैं, मैं तो इतना ही लूंगा, तेरे को करना है तो करनी तो रहने दे। लॉयल्टी, लॉयल्टी बोले तो जीरो हो गया आज की डेट में। रिलेशनशिप मतलब जीरो, ना एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय का भरोसा है, ना एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर का भरोसा है। ये कैसा है यार, कैसे काम चलेगा? एम्प्लॉयर को मेरे से सस्ता मिला तो वो बोल रहा है कि अच्छा भाई आप जाइए, आपकी सर्विस की जरूरत नहीं। और एम्प्लॉय को 2000 कहीं ज्यादा मिले तो बोल रहा है मैं काम नहीं करेगा, मेरे को तो जाना है, बस मेरे को जाना है। तो लॉयल्टी फैक्टर है ही नहीं, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन ही नहीं है। स्टूडेंट आके बोलता है हमने तो फीस पे किया है, दिस इज योर ड्यूटी, अरे कैसे बात कर रहे हैं? और टीचर सही बात है, टीचर जब इतना चार्ज कर रहा है, 20,000 रुपए चार्ज कर रहा है, तो कहां का लॉयल्टी? फ्री में सिखा रहा है क्या? नहीं नहीं बात सही है ना, 20,000 रुपए कोई कम होते हैं क्या? PCR लेने के बाद भी काय का रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता है, काय का रेस्पेक्ट? पैसे दिए सर्विस दो खत्म। वो चीजें नहीं, वो अच्छी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नोट? ये चीजें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, अगर उसका स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकते। आज आर्टिकल होते हैं जब उनको जॉब नहीं मिलता, एक ग्रुप बाकी है एग्जाम के लिए, तो बोलेगा हाँ मेरे को जॉब दे दो, और जैसे ही चार्टेड हुआ तो उसका क्वाड्रेंट भी कंप्लीट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है नहीं मेरे को तो जाना है। अरे भाई तूने हाथ में जो काम लिया उसको तो कंप्लीट कर दे। एम्प्लॉयर का भी ऐसा है, वो ये नहीं चाहेगा कि इसका एग्जाम क्लियर कराना है, वो ये बोलना है मेरा ऑडिट कैसे होएगा। हाँ वो ये नहीं देख रहा इसका एग्जाम ड्यू है तो लाइफ को सपोर्ट कर दूं। देर आर फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे को आए भी, पंकज जैन साहब, उत्तम अग्रवाल साहब, शैलेश भाई भूता, जो बोलते हैं हमारे आर्टिकल्स के लिए आप लेक्चर लीजिए, नानी साहब हम आपका अरेंज करके देते हैं। ऐसा नहीं है सब लोग एक जैसे हैं, आप ऐसा मत सोचिए दुनिया में सब एक जैसे ही लोग हैं। मैं एक ऐसे ग्रुप को अभी मैं ऐसे ग्रुप से मिला जिन्होंने हॉस्पिटल में अपना नंबर दे रखा है, बच्चों ने बोले आपका कभी भी कोई ब्लड की जरूरत हो आप हमको कॉल करिए, हम आएंगे और हमारा नाम भी मत बताइए। तो दुनिया में सारे खराब लोग हैं ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं। माना अंधेरा घना है लेकिन दीपक जलाना कहां मना है हमारा? हम मानते हैं अपन कि अंधेरा घना है लेकिन दीपक तो जला सकते हैं ना, वो मना है क्या दीपक जलाना? अगर जलाया तो मैं तो दिखूंगा ना इतने अंधेरे में, दानी की तो हस्ती ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको क्या देखना है फ्रेंड्स इन दिस पर्टिकुलर केस, व्हाई वी वांटेड टू टेक द डिसीजन ऑफ रिलेवेंट कॉस्टिंग? इन रिलेवेंट कॉस्टिंग यू जस्ट प्लीज रिड्यूस योर फिक्स कॉस्ट, इट मीन्स यूज योर ऑप्टिमम रिसोर्स। बिजनेस में अगर आपका फिक्स कॉस्ट का रिकवरी फास्टर नहीं है, यू कांट रन बिजनेस इन ए लॉन्ग टाइम। आप फ्यूचर इसके लिए है
दो तीन एग्जाम्पल मैंने हमेशा आपको दिए हैं, यू जस्ट सी द पोस्ट ऑफिस, कुरियर और इंटरनेट आया, अपना पोस्ट ऑफिस गॉन, वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट होता तो अब तक शट डाउन। मोबाइल सर्विस आया, अपना टेलीफोन खत्म। कितना अनसर्टेनिटी है, इतने सालों से इतना टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई नया पर्सन आके, कोई नया कॉन्सेप्ट आके आपके सबको धो डालता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन नोट? तो इतना अनसर्टेनिटी है, उसमें भी आप यंग लोग हो, अगर आप कुछ यंग चीजें नहीं सोचोगे, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे? आप कोई साधु महात्मा तो नहीं हो? यू हैव टू वर्क 18 आवर्स इन अ डे आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, यू आर यंग। मुकेश भाई अंबानी है वर्किंग 18 आवर्स, जो बड़े बड़े लोग हैं वर्किंग, आई नो, जितने भी मैं लोगों को जानता हूं वो सब वर्क करते हैं। सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है अगर आगे बढ़ना है, और अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है तो ठीक है, आपकी मर्जी। आपको सैटरडे संडे मंडे, आपने कभी देखा मैं कभी उबासी लेता हूं या कभी आंखें लाल हो रही हैं या मैं कभी आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज मूड नहीं है, आज कैंसिल है, ऐसा नहीं। कमिटमेंट मीन्स कमिटमेंट है आपका। आप कोई भी अच्छा काम करेंगे उसको सिर्फ आप देख रहे हैं, आप बुरा करेंगे तो आप बोलते अरे दूसरा थोड़ी देख रहा है, ठीक है, आप खुद तो देख रहे हो ना उसको। अगर आपने कोई गलत काम किया, मैं बोला अरे कोई थोड़ी देख रहा है, ठीक है, आप खुद तो देख रहे हो ना उसको। अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूं, अगर आप अच्छा काम किया आपने ऑडिट के ऊपर, तो आपका क्लाइंट ही आपको बोलेगा साहब आप सीईओ होने के बाद हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, और अगर आपने खराब काम किया तो नेक्स्ट टाइम से आपके बॉस को बोलेगा इसको भेजने का नहीं हमारे यहां। सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फास्टर अगर आपका रिकवरी है तो फास्टर आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपका रिकवरी अभी, आप मेरे को बोलिए ये रिसोर्स खाली है, अब इनको अपन मर भी जाए बोल बोल के कि भाई हमको रात को दे दो, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उससे 20% एक्स्ट्रा आपको देंगे, वो देगा नहीं साहब, अपने को देंगे नहीं। बोलिए मेरा रेंट का क्या? अरे भाई रेंट तो टोटली क्या हो गया, लेकिन हाँ अभी आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, मैं बोलूंगा फिक्स कॉस्ट, आप बोलोगे अरे सर आपने तो डेफिनेशन में क्या लिखा है फिक्स कॉस्ट इज रिलेवेंट, मैंने क्या लिखा है इफ इट इज कॉन्स्टेंट। एक एक वर्ड फ्रेंड्स मैंने जो फ्रेम किया है, जो एनालाइज किया, एक एक वर्ड को जो टचअप दिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके साथ कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं, एकदम रूट लेवल से स्टार्ट करता हूं, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। अंडरस्टैंड आपको वहां पे अप्लाई करना है एग्जाम में जाके, यार ये रिलेवेंट है या नहीं है। कैसे अप्लाई करोगे? जस्ट चेक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यस। यहां पे कैसे चेक करोगे? रेंट, अगर उन्होंने रात को भाड़े पर दिया तो बढ़ेगा क्या रेंट? क्या हो गया? दिया तो बढ़ेगा नहीं, नहीं दिया तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, कदम यस। एज्यूमिंग रात में जब लेक्चर होगा तो लाइट यूज होगी, आपको कैसे मालूम? अमित क्या सोच रहा है? बराबर। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं एक वॉचमैन रखा, एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करेगा, वॉचमैन रखा, वॉचमैन का सैलरी इज फिक्स्ड, आप बोलोगे सर ने तो फिक्स कॉस्ट को क्या बोला, इरिलेवेंट इरिलेवेंट, एग्जाम हॉल के अंदर आपको लगेगा इरिलेवेंट इरिलेवेंट, बाहर निकलती बोलेगा अरे ये तो इरिलेवेंट होता है, कोई बात नहीं ऐसा होता है फ्रेंड। आई ऑलवेज सैल्यूट फॉर दिस, भगवान मुझे 7 जन्म दे तो मुझे सीए का प्रोफेसर बनना है और सीए बनना है। आई लव सो मच दिस प्रोफेशन, आप लोगों के लिए ये डिग्री ऐसे ही होगी लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑल राइट, सेकेंड मैंने आपको क्या लिखाया था? वेरिएबल कॉस्ट, लिखो एग्जाम्पल टू। तो कॉन्स्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा? एरर। और देखो झगड़ा नहीं करना हा? कोई भी पॉइंट पे पहले चेक करके बाद में बात करना, को जब एग्जाम्पल्स हम लोग सोल्व करेंगे पहले चेक करना, देखना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, झगड़ा नहीं करना। नहीं आपने ऐसा बोला मैं बराबर बायात करके आया हूं, डोंट वरी। चलो सेकंड लिखो, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट रिलेवेंट, वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट रिलेवेंट फॉर द डिसीजन इफ इट इज कॉन्स्टेंट अंडर ऑल द ऑप्शन।